आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello students let's start the question question here is recent studies have indicated that one of the possible reasons behind the male infertility दाइटोकॉन्ट्री इन द स्पर्म फंक्शन तो हमें बताना है कि किस तरह की जो म्यूटेशन है वो स्पर्म में होती है और इसके क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं तो सिंपली अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो बोला जा रहा है कि जो मेल इनफर्टिलिटी है मीन्स जहाँ पे जो मेल का स्पर्म है वो कैपेबल नहीं होता है फीमेल के ए फर्टिलाइज करने के तो ए, ये जो मेल इनफर्टिलिटी है ये तब होती है जब यहाँ पे जो स्पर्म का डीएनए है राइट right? बेसिकली जो माइटोकॉन्ट्रियल डीएनए सॉरी नॉट डीएनए इट्स अ अंट्रियल डीएनए जब इसके माइटोकॉन्ट्रियल डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है तो इसके हमें जो है पॉसिबल इफेक्ट्स बताने हैं एक्चुअली माइटोकॉन्ट्रिया की अगर हम बात करें तो फॉर्म में जो माइटोकॉन्ट्रिया होता है उसका मेजर रोल होता है इन प्रोड्यूसिंग द एनर्जी फॉर द movement of the sperm, right now moving towards the option. First option हमें दिया गया है it lowers the sperm count. तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत होता है बिकॉज एज we डिस्कस कि यहाँ पे जो mitochondria है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म की मूवमेंट में इन्वॉल्व है तो ये इसका जो है स्पर्म के काउंट कम होने से कोई कंसर्न नहीं है सेकेंड दिया गया है इट लोअर्स द स्पर्म मोर्टिलिटी सो हियर इज द आंसर बिकॉज यहाँ पे ना ही एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द म्यूटेशन और स्पर्म जो है मूव नहीं कर पाएगा इसकी जो मोर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी राइट right. थर्ड दिया गया है इट लोअर्स द एबिलिटी टू पेनिट्रेट द एग तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा